ओके हेलो टेकीज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोगों ने अगर एसक्यूएल के मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ वो वीडियोस देख लेना। आज हम 36th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसमें मैंने बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट्स जैसे नो एग्रीगेशन फंक्शंस और ग्रुप बाय क्लॉज, ये सब बहुत सारे क्लॉज के ऑलरेडी ऑलरेडी हमने एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व किए हैं और आज कुछ ताबड़तोड़ करेंगे। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और एंड में एक कुछ सरप्राइज़ है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने रखा है लास्ट में। तो एंड तक वीडियो पक्का जरूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 36वें क्वेश्चन से जाएंगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़। सो वो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हम मेन दो चार टेबल पे काम कर रहे हैं जो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, जो कि एम्प्लॉय टेबल है, ये डेटा आएगा जो कि कंट्रोल एंटर, और मैंने इसके बारे में बता रखा है डीबीवर होता है, डीबीवर में मैंने ऑरेकल का डेटाबेस कर रखा है और उसमें डेटा डाल रखे हैं। तो यहाँ पे हो गया डिपार्टमेंट का डेटा और ये हो गया एम्प्लॉय का डेटा, यही दो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरे टेबल में। तो अगर आपको इसके सीखना है तो डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप कैसे ये टेबल क्रिएट करना है ये सब के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और आर्टिकल भी लिख रखा है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और हम यही दो बेसिक टेबल में, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया एक और टेबल है, इसका नाम है सेल क्रिएट टेबल, और ये चार टेबल पे हम काम कर रहे हैं, ये तीन टेबल पे हम काम करेंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आप पूरा एसक्यूएल सीख जाएंगे, एकदम फाड़ देंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। 36 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑर्डर ऑफ सैलरी, दैट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग लोएस्ट सैलरी शुड अपियर फर्स्ट। ठीक है, बढ़िया जी, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है ऑर्डर बाय क्लॉज। सो ध्यान से देखिए, डिस्प्ले नेम राइट, ई नेम फ्रॉम ईएमपी, वेर नहीं होगा, ऑर्डर बाय सेल, ठीक है, मैंने ऑर्डर बाय सेल कर दिया। यहाँ पे ये बस ई नेम दिखा रहे हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सैलरी भी जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्मिथ 800 का सैलरी कमा रहा, तो जो छोटा सैलरी होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयज अर्निंग द लोएस्ट शुड अपियर फर्स्ट, जो सबसे कम कमा रहा है वो ऊपर आना चाहिए, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, ठीक है, एकदम बढ़िया। यहाँ जो हमने लिखा था ये सेम लिख देते हैं, चलिए आप, मैंने कॉपी कर दिया ऐसे रोने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से ईएमपी लिखा मैंने ऑर्डर बाय सेल, तो हमें वही पुराना आउटपुट आ गया, ठीक है। चलिए मैं एक बार सैलरी भी लिख देता हूँ, सैलरी कॉलम भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखिए वापस से पुराना आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर बाय सेल, बट क्या डिसेंडिंग कर दो ना यार, उल्टा कर दो, तो ऊपर आ गया सबसे जो महंगा, जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो ऊपर आ गया, और उसके नीचे जो कम कमाते हैं वो आ गया सीक्वेंस में। आप लोग सोच रहे हैं मैंने कैप क्यों पहना है, कैप ऐसी मन कर रहा था यार, पहन लिया क्या है, हर चीज़ का रीज़न चाहिए क्या, ठीक है। चलिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब नेम मतलब आप देख रहे हैं डिक्शनरी में जैसा नाम होता है ना वैसे आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय ई नेम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए पहले आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, ऐसे करके आ गया है, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम आप समझ रहे हैं ना, ऑर्डर बाय क्लॉज सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनिए वीडियो को, एकदम ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करना है, सेम चीज़ पूरे एकदम दिमाग में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में एकदम बैठ गया ना, फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, एकदम फाड़ देना इंटरव्यू में, ठीक है, एसक्यूएल तो फाड़ देना चाहिए। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नंबर ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी आउट सॉर्ट द आउटपुट फर्स्ट बेस ऑन द नेम विद इन द नेम बाय डिपार्टमेंट एंड विद इन द डिपार्टमेंट बाय सेल। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि पहले जो है जो ए का नाम का है वो बंदा आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट बेस ऑन नेम ए बी सी डी में ऑर्डर आना चाहिए, उस ऑर्डर में डिपार्टमेंट नेम जो है
उस ऑर्डर में डिपार्टमेंट नंबर जो है, मतलब अगर समझ लो ए ए ए नाम के हैं, समझ लो एडम 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 चार बार है, तो एडम एक एडम का काम कर रहा है, एक एडम काम कर रहा है डिपार्टमेंट 10 में, एक एडम काम कर रहा है डिपार्टमेंट 20 में, एक एडम काम कर रहा है डिपार्टमेंट 30 में, तो उस तरह से तो 10, 20, 30 वो सीक्वेंस माने चाहिए, समझ रहे हैं? आप ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद विद इन डिपार्टमेंट नंबर बाय सैलरी, समझ लो एडम 10 है और ऐसे एडम 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 करके तीन है, और ऐसे तीनों बंदे 10 डिपार्टमेंट में, समझ लो एडम एडम एडम, समझ लो 5 एडम है यार, ठीक है, एडम 1, 2, 3 डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहे हैं, तो एडम ए बी सी डी, एडम एडम ए बी सी, और वो तीनों काम कर रहे हैं 10, 10, 10, अभी तीनों 10 हो गए। अब इन ऑर्डर को किस में करना है, सैलरी, एक की सैलरी 500 है, एक की सैलरी 1000 है, एक की सैलरी 1500 है, तो पहले 500 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 1500 आएगा, ठीक है, सीक्वेंस में आएगा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है, मतलब पहले नाम पे ऑर्डर करो, नाम के हिसाब से फिर पहले डिपार्टमेंट नंबर जो छोटा है उसको लाओ, उसके बाद जो सैलरी छोटा है उसको लाओ। अब आप समझ रहे हो, ध्यान से देखिए, अब क्वेरी लिखते हैं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर बाय, लिखा ऑर्डर बाय ई नेम पहले, फिर डिपार्टमेंट नंबर, फिर सैलरी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आ गया, ई नेम आ गया, ठीक है, ई नेम देखिए ए ए पहले आए हैं, और फिर उस ए ए में छोटा वाला डिपार्टमेंट नंबर पहले आया है, और उस डिपार्टमेंट अगर यहाँ पे सेम भी हो जाते ना तो पहले सैलरी छोटा वाला आता। फिर देखिए बी आया है, बी में 30, एक बी में तो कुछ है नहीं ना, तो सी में यहाँ एक है। फिर यहाँ पे देखिए जे 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 जॉन जेम्स जे ए डिक्शनरी जैसा, पहले ये आ जाएगा फिर बाद में आ जाएगा, और इसमें 30 ए है, अगर ये दोनों सेम होते ना फिर मज़ा आता है यहाँ पे, फिर 20, 30 हो जाता, फिर यहाँ पे कम बड़ा हो जाता, ठीक है। तो आप ज़्यादा रिकॉर्ड में करेंगे ना तब आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, अभी आप समझ लीजिए सिंपल सा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अलॉन्ग विद देयर एनुअल सैलरी, दैट इज सैलरी इनटू 12, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग हाईएस्ट एनुअल सैलरी शुड अपीयर फर्स्ट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैम, सेलेक्ट ई नेम, सैल भी लिख देते हैं, सैल इंटू 12 हो गया ना, ठीक है, फ्रॉम ई एम पी, ठीक है। अगर ये कर देंगे तो ये सैलरी इंटू, देखिए एडम का सैलरी पहले क्या था, देखिए मैं पहले ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, 800, चलिए दो दो लिख ही देते ना यार, सैल इंटू 12, आपको आइडिया आ जाएगा, देखो 8 × 12 कर रहा हूँ मैं, 9600 आएगा, ठीक है, ऐसे ये कर रहा हूँ मैं। अभी इसमें इसमें क्या करना है, इसमें इनने बोला है द नेम ऑफ द एम्प्लॉय अर्निंग हाईएस्ट एनुअल सैलरी शुड अपीयर फर्स्ट, तो जिसका हाईएस्ट एनुअल सैलरी होगा वो पहले आना चाहिए, ठीक है, जिसका एनुअल सैलरी हाईएस्ट होगा, ठीक है। ऑर्डर बाय सैल इनटू 12 डिसेंडिंग कर देंगे, ठीक है, किंग का 5000 है यहाँ पे, एक्चुअली देखा ना सैल इंटू 12 करने की जरूरत नहीं, एक्चुअली जिसका सैलरी ज़्यादा होगा यार ऑब्वियसली उसका इंटू 12 भी ज़्यादा ही होगा ना, तो लॉजिक ऐसी है कि सैल इंटू 12 भी कर लो, करेक्ट एनुअल सैलरी वो पूछ रहा है तो ऐसे ही करना चाहिए, और अगर नहीं भी करते, जिसकी सैलरी ज़्यादा है यार ऑब्वियसली उसका इंटू 12 भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सबका इंटू 12 ही कर रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, बट सिंस वो लोग एनुअल सैलरी से स्ट्रेस कर रहे हैं तो इंटू 12 लिख देते हैं हम, और यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं एज, ठीक है, यहाँ पे आ गया एनुअल साल, यहाँ पे साल आ गया, यहाँ पे एनुअल साल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा नाम अच्छा लिख देंगे ना तो समझ पढ़ने के टाइम आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले नेम सैलरी एच आर ए पी एफ डी ए टोटल सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय, ओके, पहले ये निकाल लेते हैं, कैसे फॉर्मूला बताया इनने, द आउटपुट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ टोटल सैलरी एच आर ए 15% ऑफ सैलरी, डी ए 10% ऑफ सैलरी, पी एफ 5% ऑफ सैलरी, टोटल सैलरी विल बी सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए, ठीक है, यहाँ जितना कैलकुलेशन दिया। चलिए ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे ई नेम लिख दो पहले, सैलरी लिख दो, फिर एच आर ए क्या है, एच आर ए है सैलरी का सैलरी इंटू 0.15 क्यों, मतलब अगर 15/100 करेंगे ना तो परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा रे 15% ऑफ सैलरी, ठीक है, और फिर डी ए क्या है, डी ए क्या है 1% ऑफ द सैलरी, ठीक है, सैलरी एंड पी एफ क्या है, सैलरी इंटू पी एफ क्या है 5%, 0.5, ठीक है, और सो टोटल सैलरी करना है ना, टोटल सैलरी हम ये पूरा ले लेंगे, इसको यहाँ कॉपी कर देंगे और यहाँ प्लस प्लस लगा देंगे, प्लस प्लस
और सैलरी के साथ भी प्लस करना है, टोटल सैलरी, सैलरी प्लस ये चीज़ है ना ये सब, ठीक है। फ्रॉम ईएमपी एचआरए डीए माइनस पीएफ है हम बोला, माइनस माइनस पीएफ, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी, यहाँ पे क्या हो गया, ये पहले एचआरए हो गया, ये हो गया एचआरए, ठीक है, एचआरए हो गया, ये हो गया डीए डी अलाउंस अलाउंस, और ये हो गया पीएफ, ठीक है। यहाँ आ गया एचआरए 800 का 120 है, ये डीए ये है, ये हो गया टोटल सैलरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो मतलब एक इक्वेशन में हम यहाँ इतने सारे एक्सप्रेशन लगा रहे हैं अंदर अंदर अंदर, ठीक है। तो मैंने ये एच आर ए लिखा एज एच आर ए, मतलब एच आर ए दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। ये डी ए है तो जो सैलरी है उसका इतना परसेंटेज दिखाने के लिए बोला है मैंने, और टोटल हम यहाँ पे सैलरी प्लस ये माइनस पी एफ बोला ना, सैलरी इंटू ये जो होगा माइनस पी एफ बोला है, सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए, ये हो गया सैलरी प्लस एच आर ए प्लस डी ए माइनस पी एफ कर दिया मैंने, ठीक है। वो भी टोटल सैलरी आ गया, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन डाल दिया, ठीक है। डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये हम बाद में लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ही था कि एंड में कुछ एक सरप्राइज रखा है, तो सरप्राइज ये है कि क्या कहते हैं, अगर मेरे को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, तो आप लोगों की बहुत एफर्ट लगेगा यहाँ पे। अभी हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर है हिंदी चैनल में, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं बूट कैंप का पूरा हिंदी में बूट कैंप, एक एसक्यूएल का बूट कैंप बना रहा हूँ मैं, तो हिंदी का जो बूट कैंप है पूरा, मतलब पूरा, मतलब अच्छे से पूरा एसक्यूएल मैं एक सिंगल वीडियो में करीब 12-15 घंटे का पूरा सिंगल स्ट्रेच में एक वीडियो बना के ऑलमोस्ट रेडी है वीडियो। आप जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे वो बूट कैंप लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे, आप सब लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं और एसक्यूएल फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये काम है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए कि जो भी टेस्टिंग में आना चाहता है, डेटा टेस्टिंग सीखना चाहता है, बिग डेटा हो गया, ये डेटा वेयरहाउस हो गया, ETL हो गया, या जो भी हो गया, तो ये जो भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आ सकते हैं। आपके लिए पक्का बहुत कुछ इंटरेस्टिंग रखा है मैंने, बहुत सारे वीडियोस प्लान किए हैं, ऑल वीडियोस लाता रहूँगा, बट जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे उतना जल्दी जो बूट कैंप का वीडियो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत भेजिए और इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाइए, बूट कैंप लाऊँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और सरप्राइज रखे हैं मैंने, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।